माता जी नू, माता जी नू नमस्ते या सत श्री अकाल, छोटी भैन नू प्यार। ठीक है, लास्ट दे विच जेदे नाल साडा जिन्हों आप लैटर लिख रहे हैं उहदे नाल साडा की रिलेशन है, अगर चाचा जी है तां तुहाडा प्यारा भतीजा, अगर मामा जी है दैन भांजा, अगर पिता जी या माता जी है तां सपुत्र या सपुत्री। ठीक है, अगर भरा है तां तेरा वड्डा भरा, दोस्त है तां तेरा प्यारा दोस्त। ठीक है, तुहाडा प्यारा जो भी रिलेशन है, डैश डैश नाम, डैश डैश पता। क्लियर है? आएगा क्लियर? एक पेज से सिर्फ फॉर्मेट लिख लो, नेक्स्ट पेज से नेक्स्ट पेज से फिर आप लेटर डिस्कस करने हैं कि केड़ियां केड़ियां इहदे अंडर लेटर आ सकदियां ने। काफी सारिया लैटर जिहड़ियां तुसीं ऑलरेडी करदे आ रहे हो सिक्स तों, कि चाचा जी नूं तोहफे दा धन्नवाद करन लई पत्तर, जन्मदिन ते बुलाउण लई, छोटे भरा नूं पढ़ाई लई, खेडां लई, फिर मित्र पास हो गया या सहेली तुहाडी पास हो गई उहनूं वधाई पत्तर देना है। ठीक है, अच्छा एक कंडीशन, एक लैटर दे विच जिहड़ी इह वाली लाइन आ ना, इह चेंज हुंदी है। सपोज माता जी या पिता जी का स्वर्गवास हो गया, ठीक है, फिर तुसी अपने मित्र नू या सहेली नू लैटर लिख रहे हो, तुसी कंसोल करना उना दे नाल, फिर तुसी आ वाली लाइन थोड़ी लिखोगे, है ना, फिर आपा की लिखांगे कि इथों स्टार्ट करोगे, मैनू बड़ा अफसोस है या मैनू चिट्ठी मिली या मैनू पता लग्या कि तुहाडे माता जी या पिता जी का देहांत हो गया। ठीक है, ते मैनू ये सुन के बहुत दुख होया, बहुत चंगे इंसान सन, उन्होंने क्वालिटीज दसनिया पहला, बहुत हाँ समाज सेवक सन, नेक दिल सन, है ना, सारे नाल बहुत ज्यादा प्यार करते सन, बहुत ज्यादा हसमुख सन। ठीक है, घर परिवार को जोड़ के रखते सी, पर उन्होंने जान तो बाद विच तू कला रह गया या तू कली रह गई, उन्होंने ही घर विच रौनक सी। ठीक है, ते उन्होंने ही सुपना सीगा कि तू वड्डा हो के डॉक्टर इंजीनियर कोई भी अफसर बने, ते तू ए वाला अपना जिहड़ा सपना है उन्हां दा पूरा करना है, तेरे नाल तेरे होर छोटे भैन भरा हन उन्हां दा भी ध्यान तू रखना है। ठीक है, तू हिम्मत ना छड्डी पूरी, ठीक है, रब दा भाणा मन के जो भी अगो तुसीं जिस तरह कंसोल करदे हो, रब दा भाणा मन के ये चीज़ नूं मनना ही पैंदा है। ठीक है, पर अपना अगे वाला जिहड़ा भविख है उहनूं भी उज्जवल बनावीं, मैनू मैं हमेशा तेरे नाल हाँ। ठीक है, जब भी कोई जरूरत पवे हमेशा तेरे अंग संग ही रहांगा या तेरे नाल खड़ा रहांगा। ठीक है, फिर तुसी लिख देना कि बाकी गल्लां मिलन ते करांगे, जे छोटे भैन भरा हन ते फिर उन्होंने कह रहना कि छोटे भैन भरा नूं प्यार, तेरा प्यारा मित्र या तेरी प्यारी सहेली। बस ओ वाली लैटर विच ऐ वाली लाइन आपां नहीं लिखदे, बाकी कोई भी आ जावे मित्र नूं पास होने की वधाई या तुसी जाना है विद्यक ट्रिप ते उही आना सेम तुहाडा प्यारा। ठीक है, अगर तुसी एजुकेशनल ट्रिप ते जाना है विद्यक टूर ते, तुहानू स्कूल वाले लैके जा रहे ने, सपोज तुसी होस्टल चो, तुसी अपने पिता जी नू या माता जी नू लैटर लिखनी है कि तुहानू आग्या दित्ती जावे कि तुसी विद्यक टूर ते जा सकते हो, और नाल ही तुहानू थोड़े बहुते पैसे भी चाहिए हन, फिर किदां लिखोगे लैटर? दिया ध्रुव गुलाटी एक मिनट, तुसी विद्यक टूर ते जाना है, एजुकेशनल ट्रिप ते जाना,
ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰਿਪ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਟਰ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ ਔਨ ਦਾ ਸਪੌਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਟਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 10th ਲਈ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ 10th ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੈਟ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਟਰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਦਾ ਸਪੌਟ ਫਰੇਮ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬਟ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੈਟ ਦੱਸਣਾ ਬੋਲੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਲੈਟਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹਲੇ ਸੈਟਰਡੇ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖਣੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਕੜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਚਲੋ ਲਿਖੋ ਵਸਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੌਣ ਬੋਲੇਗਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਲਵਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੂੰਗੀ ਬੋਲੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੌਣ ਬੋਲੇਗਾ ਸੁਣ ਲਓ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਸਾਡੀ ਜਮਾਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਦਿਅਕ ਟੂਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ ਤੇ ਰੋਚਕਤਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਟੂਰ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਦਿਓ ਇਸ ਟੂਰ ਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪੱਤਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗਣ ਲਈ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੋਗੇ ਅੱਗੇ ਸਮਾਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਦਿਅਕ ਟੂਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਟੂਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਟੂਰ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉਤਸੁਕ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮੇਰੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੁਸਤਕਾਂ ਸਾਡਾ ਗਿਆਨ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਵਿਦਿਅਕ ਟੂਰ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਰੋਚਕਤਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਟੂਰ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜੋਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ ਅੱਗੇ ਸਮਾਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਦਿਅਕ ਟੂਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ
बहुत ही दिलचस्पी है। वो सानू बहुत सारिया चीजा तस्वीरां राही या सामने दिखा के समझाइया जाणगियां जिस नाल साडी रोचकता होर भी बढ़ जाएगी ते सानू बहुत सारे विषयां दी जानकारी बहुत चंगी तरह हो जाएगी। इस नाल साडे ज्ञान विच वाधा होवेगा। मैं इस टूर ते जाना चाहती हाँ अते सारिया चीजा की जानकारी लेना चाहनी हाँ। इसलिए मैं कुछ पैसे की भी लोड़ पवेगी, इसलिए कृपा करके 1,000 रुपए भेज दियो जिस विच 200 रुपए इस टूर की टूर ते जाण दी फीस होवेगी। बाकी बाकी मैं तुहानू टूर तो आउण तो बाद अपना तजुर्बा दसांगी। मैं इत्थे राजी खुशी हाँ अते आस करदी हाँ कि तुसी भी ठीक होवोगे। मैं तुहानू दसना चाहुंदी हाँ कि मेरा स्कूल एक विद्यक टूर आयोजित कर रहा है अते मैं चाहुंदी हाँ कि मैं अपने दोस्तां नाल उत्थे जावां अते इस नाल मेरी रोचकता भी वधेगी। इस नाल मेरा मेरे ज्ञान विच भी वाधा होवेगा। मैनू साइंस दे मॉडल वेखने चंगे लगदे हन जिस नाल मैं होर वधिया पढ़ सकांगी। मेरी मैं बेनती करदी हाँ कि मैनू थोड़े पैसे भेजे जाण तां जो मैं अपनी इच्छा पूरी कर सकां। मेरी रुचि है कि मैं अपने आले दुआले नूं होर जाना अते आविष्कार भी करा। तुहाडी सपुत्री नाम असी इत्थे राजी खुशी हाँ ते उम्मीद करते हाँ कि तुसी भी खुश होवोगे। अगे समाचार ए है कि साडा स्कूल सानू विद्यक टूर लई साइंस सिटी लैके जा रहा है। तुहानू तां पता ही है कि मैं विज्ञान विच कमजोर हाँ। जे मैं उत्थे चीजां नू सामने होंदिया वेखांगी तां मेरे ज्ञान विच वाधा होवेगा, मेरे विज्ञान विच दिलचस्पी भी वधेगी, मैनू चीजां होर भी वधिया तरीके नाल समझ आउणगियां। इस लई मैनू थोड़े पैसे भी चाहिए हैं अते उम्मीद करती हाँ कि तुसी मेरी गल नू समझोगे। कृपा करके मैनू जान दी परवानगी दित्ती जावे अते मैनू उत्थे भेजा जावे। ठीक है, वेरी गुड, राइट बच्चे। ठीक है, इत्थे आके एक तो थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हुंदा है, ओके। सो थोड़ी राइटिंग स्किल भी डिवेलप हुंदी है, क्लियर है। बाकी मैं देख लिया काफी बच्चे लिखन दी ट्राई कर रहे ने, होर इंप्रूव कर सकदे हो। लिसन बच्चे, सिंपल एप्लीकेशन कोई भी लिख सकदा है, ठीक है, बट ओनू थोड़ा जिहा अच्छी वर्डिंग और एदे विच हमेशा पॉजिटिव और जड़ी मिठी लैंग्वेज होंदी ना कह सकदे हो, मतलब कोई एदे विच कड़वे बोल आपां नहीं लिखदे। निजी पत्र होवे या दफ्तरी पत्र होवे जी एदे विच भी बहुत ज्यादा एक सलीके वाली कह लो, थोड़ा जिहा जिस तरह जिन्नी भी तुसी लैंग्वेज लिख रहे हो या वर्ड्स लिख रहे हो ते पकड़ होनी चाहिए पहली गल तुहाडी। और इंग्लिश दे वर्ड्स ना यूज करो, बेटर है, ठीक है। कुछ कुछ वर्ड इदा दे ने जिस तरह साइंस है, ठीक है, उन्हों विज्ञान लिख सकते हो, तजर्बा एक्सपेरिमेंट नूं आपां कहने आ, ठीक है। जे तुसी तुहानूं देखो इदा तुसी लिखोगे ना ते तुहाडी वर्डिंग जिहड़ी है ना इंप्रूव होवेगी, ठीक है। हुण तुसी काफी मेरे को वर्ड्स पुछे कि इहनूं पंजाबी च की कहिंदे आ, पंजाबी च की कहिंदे आ, ठीक है। राइटिंग स्किल तुहाडी सुधरनी है, क्लियर है। इस तरह ही मैं हुण हौली हौली करके तुहानूं इदा इदा लैटर्स दिया करांगी, तुसी इंप्रूव करोगे, फिर तुसी इत्थे आके बोलोगे। जिहड़े बच्चे अज बोल चुके ने उहनां दी टर्न नहीं आएगी, नैक्सट होर बच्चे दी टर्न आएगी, ठीक है। सो सारे जने थोड़ा अपना कॉन्फिडेंस लैवल अप करो। जसकरन, ठीक है, बोलन की कोशिश करो, कोई गल नहीं। अगर तुसी जिन्ना भी लिखा है गलत तो किसी ने नहीं लिखा होगा ना, टॉपिक के नाल मिलता जुलता लिखा होगा ना, कोई गल नहीं। एक बार बोलन की कोशिश करो, फिर थोड़े विच और ज्यादा कॉन्फिडेंस होएगा कि तुसी बहुत वधिया लिख सकते हो, क्लियर है, ओके। हुण जिहड़ा तुसी फेयर कॉपी ते करनी है ओदा टॉपिक लिख लो, जो तुसी फेयर कॉपी ते करनी है लेटर, कि तुसी अपने मित्र नूं पत्र लिखना है कि वह मोबाइल की बहुत ज्यादा वरतों कर रहा है, ठीक है, मोबाइल दी या कोई भी लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, कोई भी डिजिटल चीज उदी बहुत ज्यादा वरतों कर रहा है, तुसी उसनों उससे नुकसान दसदिया होया उनु कहना है कि मोबाइल दी वरतों जरा घट करें, ठीक है। अपने मित्र नूं पत्र लिखो कि मोबाइल दी वरतों घट कीती जावे क्योंकि मोबाइल दे बहुत ज्यादा नुकसान हन। हुण इहदे विच आपां की लिखांगे, मोबाइल दे स्पेलिंग देख लो,
मोबाइल आ जावे, ठीक है, टीवी आ जावे, फोन आ जावे, मोबाइल फोन सेम या लैपटॉप आ जावे, या टीवी हो गया, कोई भी टेक्नोलॉजी स्क्रीन वाली, जे मान लो कि तुसी उदी बहुत ज्यादा वरतों करते हो तो वह थोड़े लिए नुकसानदायक है, तुसी इसलिए उन्हें प्रेरणा देनी है कि वह वरतों घट करे, ते केदे वाल अपनी ज्यादा जड़ा पढ़ाई वाल, ठीक है, खेडना वाल। हुण दसो ये लैटर आपां किद्दां लिखांगे, एनी वन बिजली नाल चलदियां चीजां एक 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 शारीरिक गतिविधियां फिजिकल एक्टिविटी नु आपां कहने हां शारीरिक गतिविधि। स्टार्टिंग किद्दां करोगे इस लेटर दी? शरीर दे बहुत सारे अंग खराब हो सकते हैं। तुसी स्टार्टिंग ही नुकसान तो कर दोगे? नहीं, लाभ ते हानियां स्टार्टिंग से कर दोगे, कुछ अग्गे नहीं दोगे? नहीं, वो ते करोगे ना उस तो बाद विच, ठीक है, फिर भी सोचो जरा स्टार्टिंग की हो सकती है। ओके ठीक है, वैसे ठीक है तुहाडा, तुसी दस दिता, मैं नहीं कह रही, बट स्टार्टिंग यदि थोड़ी होर तरीके नाल भी हो सकती है ना। तुसी कोरोना दे टाइम पे ऑनलाइन स्टडी कीती, ते फिर तुसी ओ मेंशन कर सकदे हो इहदे विच के सेम एही वाली लाइन लिख के, ठीक है, फिर तुसी कह सकदे हो कि जिवें कि तैनूं पता ही है कि साडा जिहड़ा पिछला साल, ठीक है, कोरोना दे करके असीं सारिआं ने मोबाइल ते लैपटॉप ते क्लासां लगाईआं, ठीक है, वह लगानियां भी जरूरी सी, पर उन्हें थोड़ी ज्यादा वरतों कर ली, उन्हें स्टडी ली नहीं ज्यादा वरतों की, उन्हें होर चीजा ली वरतों कर ली, ठीक है। तो तुम ये कह सकते हो कि क्लासा लगाने की बजाय तू वीडियो गेम खेलता रहा या तू गाने सुनता रहा, ठीक है, बाकी आप कल डिस्कस करते हैं।